सामाजिक संरचना के मूलाधारों में शिक्षा का बहुत महत्व माना जाता है, परंतु भ्रष्टाचार की जड़ें शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह जकड़ी हुई हैं। शिक्षा माफियाओं ने शिक्षा व्यवस्था को मकड़ी की भांति जकड़े हुए हैं। ऐसा ही एक मामला जनपद आजमगढ़ में सामने आया है, जहां एक कूटरचित बना शिक्षक अपने ही गाँव के अनुसूचित जाति व्यक्ति के नाम पर नौकरी कर रहा था। आजमगढ़ जिले में महाराजगंज शिक्षा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय भीलमपुर में राजेश कुमार यादव निवासी ग्राम मणिया थाना खलीलाबाद जिला संत कबीर नगर ने अपने ही गांव के राजेश कुमार अनुसूचित जाति के नाम पर नौकरी कर रहा था। और देखिए, लगातार जो फर्जी शिक्षक भर्ती हुए थे उनके संबंध में लगातार जांच के उपरांत कार्रवाई शिक्षा विभाग द्वारा की जा रही है। इस तरह का एक मुकदमा महाराजगंज में भी कायम हुआ और उसके द्वारा पूरी बात बताई गई है। जो शिक्षक गिरफ्तार हुआ उसके द्वारा बताई गई है किस तरह इन्होंने फर्जीवाड़ा करके जो अध्यापक है उसकी नौकरी इन्होंने ली थी।